हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती चौहान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी जो क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 23 और जिसकी डेट है 27 अगस्त 2020, उसको डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे और उसके सारे प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढ निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में जो आपका जो पुरानी वर्कशीट आई थी हमारी, तीन फसलों के बारे में जाना था हमने, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। इस वर्कशीट में हम भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं और उन्हें खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्यान्न फसलें क्या हैं, उन सबको देखेंगे और समझेंगे। देखते हैं, सबसे पहले जो हमारी फसल दी गई है वो है चावल। वो चावल जो है ये चीका मिट्टी, जो उप मृदा चीका मिट्टी के साथ ये उपयुक्त मिट्टी होती है इसके लिए, जलोढ़ मृदा मिट्टी में होती है। इसको तापमान चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा और इसमें कम से कम जो आपकी वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। इसके लिए ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है चावल के लिए। यह उगाई कहाँ जाती है? ये उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में उगाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है? ये एक तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न है, सबसे ज़्यादा खाया जाने वाली चीज़ है। विश्व में चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान है, ठीक है। सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और उसके बाद भारत है। आप देखते हैं गेहूं जो दूसरी फसल है, गेहूं दोमट मिट्टी में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इसको तापमान चाहिए आपका 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और बारिश भी इसको 50 से 75 सेंटीमीटर अगर बारिश होगी तो हमें गेहूं के लिए ठीक है, मतलब गेहूं के लिए वो उपयुक्त है। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, दक्कन की काली मिट्टी का क्षेत्र और पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन सब जगह पे गेहूं का हमें उत्पादन देखने को मिलता है भारत में। और भारत की ये प्रमुख दूसरी फसल है और भारत में विश्व इसका क्या है, भारत का विश्व में दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। देखिए, हम चावल में भी दूसरे नंबर पे हैं चाइना के बाद और जो गेहूं है, गेहूं में भी हम दूसरे नंबर पे हैं विश्व में। आप देखते हैं मक्का, मक्का आपको जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, सबसे अच्छी होती है जलोढ़ मिट्टी में। इसमें कम बारिश चाहिए और कम नमी की ज़रूरत होती है और ये कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि जगहों पर उगाई जाती है। मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा और मक्का सबसे ज़्यादा मेन है। ज्वार भारत की तीसरी प्रमुख फसल है, ठीक है, तीसरी प्रमुख फसल है भारत की, राइट। आप देखते हैं चना, चना क्या होता है, जो सूखी और ठंडी जलवायु वाली होती हैं वहाँ पे उगाई जाती है और इसकी अगर बारिश होगी 60 से 90 सेंटीमीटर तो इसका चने का काम चल जाता है, चना उगाया जा सकता है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं और विश्व में चना भारत का पहला स्थान है, ठीक है, नंबर वन पे है चाइना प्रोडक्शन में भारत। अब देखते हैं मूंगफली, मूंगफली शुष्क जलवायु में उगाई जाती है। दोमट बलुई मिट्टी चाहिए इसके लिए, लाल बलुई मिट्टी चाहिए, सबसे ज़्यादा इसके लिए यूज़फुल है। और यह ये कहाँ पे उगाई जाती है? ये गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, कर्नाटक इसके प्रमुख उत्पादक प्रदेश हैं। कुल तिलहन उत्पादन का आधा भाग मूंगफली से प्राप्त होता है। जो तिलहन फसलें हैं जिनसे तेल निकलता है उसमें आधा जो शेयर है वो किसका है? वो है मूंगफली का। अब देखते हैं जो गन्ना है अगली फसल, ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल होती है। इसको तापमान चाहिए 21 से 27 सेंटीग्रेड और इसको बारिश अगर 75 से 100 सेंटीमीटर है तो गन्ने को हम उगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में ये उगाई जाने वाली फसल है। ब्राज़ील के बाद भारत का दूसरा नंबर है, भारत इसका दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत की प्रमुख नकदी फसल है ये गन्ना, ठीक है। आप देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स फटाफट से। देखिए, पहला क्वेश्चन है अनाज और सब्जी उत्पादन का महंगाई से क्या संबंध है? तो अनाज, आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, अनाज और सब्जी उत्पादन का महंगाई से परस्पर संबंध है। अगर अनाज और सब्जी का उत्पादन कम होगा, मांग बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ती है, और अगर सब्जी उत्पादन और अनाज उत्पादन ज़्यादा होगा तो मांग कम हो जाएगी तो क्या होगा, महंगाई घट जाती है इससे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, आप सबसे अधिक किस अनाज का प्रयोग करते हैं? तो हम जिस अनाज का भी हम प्रयोग करते हैं हम उसको लिख देंगे। हमारे घरों में सबसे ज़्यादा अनाज जो उपयुक्त होते हैं वो है गेहूँ, चावल, चना, मटर आदि, मतलब इस तरीके के और भी कोई आप अगर अनाज यूज़ करते हैं तो उसको आप इसमें लिख सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। थर्ड पोस्ट क्वेश्चन कहता है किन्हीं दो नकदी फसलों के नाम लिखिए। तो नकदी फसल कौन सी होती है जिसमें आपको नकद पैसे मिल जाते हैं तभी, तो ये कौन सा है, ये गेहूँ और चावल, आप दो फसल लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, अपने घरों में प्रयोग होने वाली प्रमुख तिलहनी फसलों की एक सूची बनाइए। तो तिलहनी फसल कौन सी होती है जिससे हमारा तेल निकलता है, तो कौन कौन सी हैं आप लिख दीजिए। जैसे सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये सब क्या है हमारी तिलहनी फसल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 23 सामाजिक विज्ञान की। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है, अच्छा लगा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने 20 दोस्तों को भेजना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।